केलरो जिसमें वो सोमवती नाचने गाने वालियों के साथ मिलकर दरबार में हाजिर हुई और नाचना गाना दिखाया। साजा बादशाह कहते कि बेटी नर्तकी में आपके नाचने से बहुत मुतासिर हूँ, खुश हुआ, आप अपना इनाम मांगी। तो कहती महाराज आपकी सभा में मेरा एक चोर है, उसे पकड़वा दीजिए। क्या चुरा के महाराज? वो चोर आज से एक हफ्ता पहले नशे में धुत मेरे डेरे पे गया, नाचना गाना सुना और चलते समय 5,000 के करीब रुपया और कुछ जेवरात था, वो चोरी कर लाया। कौन? अब शेर खान मुडा खाले बैठा हुआ था, फटकार का डार जो निशानी के तौर पर दिखाया वो नजदीक रख रहा, उसकी तरफ हाथ किया के महाराज ये शेर खान मेरा चोर। निर्गंध वाला लाहौल वाला कुआ धराम जादी क्या बकवास करती है, मैं और तेरा चोर? के हाँ कि महाराज ये झूठ बोलती है, मैं झूठ बोलती हूँ, आप मेरे से नहीं मिले के नहीं? तो कहती के बात आज सलामत कुरान शरीफ मंगवाइए और उस पर हाथ रख के इसका कसम खवाइए ये मेरे से मिला कि नहीं मिला। कि ठीक है, अब कुरान शरीफ मंगवाई जाती है और कहा जाता है कि भाई शेर खान बता, उस पर हाथ रख के बोला मैं अच्छा सलामत मैं इस कुरान शरीफ की कसम खाता हूँ, मैंने आज से पहले इस बदसूरत की कदे शक्ल नहीं देखी। ये महाराज ये बयान कलम बंद किए जाएंगे, क्या कह रहा है? ने बोला बिल्कुल सच कहता हूँ, जब इतनी बात कही ना कि मैं को ना मिला तो पटकावर का दारू ने धीरे धीरे ठा गए और गड़ मोड़ना गा लिया सोमवती ने, नो बोली मिलिया को ना रे अगना। हर एक बात के द्वारा की खिल लागी, क्या बताया भला। और ये फरमाइश और एक मेहर सिंह की रागनी की फरमाइश थी, वो ये हाँ परशुराम आश्रम गोहर, और ये हमारे लिए आदमी परशुराम आश्रम गोहना की तरफ से 251 रुपए से पार्टी का मान सम्मान किया जाता है। हम समाज के को बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। चोर पाड़ पछा
भाई सोमती ने शेर खान ने बोलिया तू सह गुण जोगल मैं गलगी मेरा आन गया मन के ठारा का के बिगाड़ा तेरा क्यों जात की का कोरी है ने बोली मन पहचानता को ना अगर जब मैं पहचानू तो जब मैं मिल जाओ अच्छा रे जानता नहीं अब तुम बता सह कौन ने बोली ले सुन ले मैं बताती हूँ कौन परिवार के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे पंडित जी रघुनाथ जीयों की सत्रहवीं करी भोजन का आयोजन किया और बेजगाम गौशाला में 53,100 रुपए दान के दिए हैं भाई जोरदार ताली बजाओ बहुत बहुत धन्यवाद ये तीसरी कली में के खेल लगी क्या बताया शेर खान आत्मसरण लग गया ने बोली आत्मसरण ने कुछ ना हो और ना गाल के गल मर खेसती उड़ा लेगी तेरा फांसी का तख्ते पर चाप सिंह खड़ा था ने बोली भाई
आत्मसेना काम को ना चल एक काम कर ले के और ये पंडित रघुनाथ के सपुत्र सत्यनारायण जी जिन्हें 1100 रुपए से पहले मान सम्मान किया पार्टियों का और 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। हम भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कैसे क्या कहा सभी भाइयों का जो मान सम्मान